हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिपर्णा की रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं पानी पूरी बनाकर दिखाऊंगी। तो जैसे कि मॉनसून का टाइम चल रहा है, सभी को चटपटा खाने का मन होता है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पानी पूरी बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए, पहले पूरी, फिर उबला हुआ आलू, उबला हुआ मटर, भुजिया, प्याज, धनिया का पत्ता, हरी मिर्ची, और मसाले में नॉर्मल नमक, काला नमक, चाट मसाला, जलजीरा, नींबू और घर के बनाए हुए मसाले। पानी पूरी बनाने के लिए अब उसका मसाला बनाऊंगी। तो जिसके लिए मैंने पहले ले ली आलू, ठीक है। अब उसके ऊपर थोड़ा मटर डाल दूंगी। अब उसके ऊपर डालूंगी थोड़ा हरी मिर्ची, तो डालूंगी थोड़ा धनिया का पत्ता। अब उसके ऊपर डालूंगी थोड़ा नॉर्मल नमक और थोड़ा काला नमक और थोड़ा चाट मसाला। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी घर के बनाए हुए ये मसाले, ठीक है। ये मसाला बनाने के लिए मुझे लगा है सूखा लाल मिर्ची, फिर जीरा और धनिया। इसको मैंने गरम तवा में रोस्ट कर लिया और फिर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिए। तो ये मसाला थोड़ा मैं डालूंगी। ये सब मसाले में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी मेरा मसाला बिल्कुल रेडी है। अभी मैं पूरी के अंदर मसाले भरूंगी अच्छे से। और फिर एक एक करके रख दूंगी और प्लेट को सजाऊंगी अच्छे से। अब मैं पूरी के अंदर सब मसाले अच्छे से भर दी मैंने पूरी के अंदर। देख लीजिए कितना यम्मी लग रहा है। पानी पूरी को अच्छे से गार्निश कर लूंगी। तो थोड़ा प्याज उसके ऊपर डाल दूंगी और थोड़ा भुजिया ऐड कर दूंगी। मैंने पानी में इमली अच्छे से घोल कर रखी है। खट्टा पानी के अंदर मैं डालूंगी थोड़ा नमक, जितना आप लोगों को चाहिए, फिर डालूंगी काला नमक, फिर उसमें थोड़ा चाट मसाला और घर के बनाए हुए मसाले। खट्टा पानी के अंदर मैं थोड़ा जलजीरा मिक्स कर दूंगी। अभी उसके अंदर थोड़ा नींबू ऐड कर दूंगी। अब मैं उसके अंदर थोड़ा धनिया का पत्ता ऐड कर दूंगी। मेरी पानी पूरी एकदम रेडी है, देख लीजिए। मेरी ये पानी पूरी की रेसिपी आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो आप लोग मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना। इतना सब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना।